आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। नवपदस्थ कलेक्टर सौरभ कुमार ने कोटा ब्लॉक के बेलगहना तहसील और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलगहना का औचक निरीक्षण कर कार्य प्रणाली से रूबरू हुए और कर्मचारियों की उचित मांगों को स्वीकृति प्रदान करने की बात कही। बेलगहना स्वास्थ्य केंद्र 10 बिस्तरों का अस्पताल जर्जर स्थिति को देखकर तुरंत पीडब्ल्यूडी विभाग को मरम्मत कार्य करने के लिए आदेशित किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ के द्वारा लैब में जांच मशीन न होने की बात कही, जिस पर बीएमओ कोटा को स्टीमेट बनाकर मशीन खरीदी करने की बात कही। वहीं तहसील कार्यालय के बगल में नवीन तहसील का निर्माण कार्य चल रहा है, जिस पर 2 माह के अंदर पूर्ण करने के लिए ठेकेदार और एसडीओ को जल्द से जल्द काम पूर्ण करने की बात कही। उसके पश्चात नवपदस्थ कलेक्टर ने बिलासपुर जिले के अंतिम छोर केंद्र के स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ क्वार्टर और बाउंड्री वॉल का कार्य करने को संबंधित विभाग को कहा। केदार के ग्रामीणों ने हाई स्कूल आने के रास्ते पर सीसी रोड निर्माण की बात कही तो नवपदस्थ कलेक्टर ने 12 लाख की सीसी रोड बनाने को कहा। उसके पश्चात बालक आश्रम केंद्र का निरीक्षण किया और भोजन को टेस्ट भी किया। स्थानीय पत्रकारों ने जब कलेक्टर महोदय को कोंचरा आयुष्मान केंद्र पर झाड़फूंक की घटना के बारे में बताया तो कलेक्टर महोदय ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलगहना में एमबीबीएस डॉक्टर सुरभि सोनी के द्वारा ज्वाइनिंग नहीं की गई, जिस बात को लेकर पत्रकारों ने कलेक्टर महोदय को अवगत कराया तो कलेक्टर महोदय ने जल्द ही एमबीबीएस डॉक्टर की नियुक्ति होने की बात कही। मौके पर कोटा ब्लॉक के सभी अधिकारी मौजूद रहे। किसी की पदस्थापना हुई है तो वो ज्वाइन करेंगे एवं उनकी सैलरी अन्यथा जहां से भी काम करेंगे वहां पर रुकवाई जाएगी। देखा जाएगा यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा झाड़फूंक किया जा रहा होगा तो उन पे अपन एक्शन लेंगे। यदि प्राइवेट लोग हैं जो अस्पताल के परिसर अथवा किसी अन्य परिसर के अंदर झाड़फूंक कर रहे हैं पर वो जन सामान्य के लोग हैं तो उनको समझाया जाएगा। जैसा बताया यदि उनके द्वारा ही किया जा रहा होगा सरकारी कर्मचारी द्वारा तो बड़ी कार्रवाई बनती है। यदि आम जनता जो किसी सरकारी परिसर भले वो तहसील हो या अस्पताल हो वहाँ पर आके अपनी मन की शांति के लिए कुछ झाड़ू टोना कर रहे हैं तो उनको समझाया जाएगा। हर चीज़ का उपचार डंडा नहीं है, समझाना भी कई तरह से काम आता है। हाँ, जितना भी अस्पताल में आवश्यकताएं हैं भले वो बाउंड्री वॉल की हो, इक्विपमेंट की हो, सोलर की हो, मरम्मत की हो, वो सब बहुत जल्दी आपको काम चालू होता हुआ दिख जाएगा। बेलगहना से रवि राज रजक की रिपोर्ट।